वी आर डूइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इसमें हमने प्रिपरेशन की थी। प्रिपरेशन में हमने फर्स्ट प्रिपरेशन की हुई है, फर्स्ट फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल्स फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन, सेकंड फ्रॉम एल्डिहाइड्स अगेन बाय ऑक्सीडेशन, थर्ड किया था फ्रॉम नाइट्राइल्स बाय एक्सेस हाइड्रोलिसिस, थ्री एंड फोर्थ किया था हमने फ्रॉम ग्रिग्नास रिएजेंट बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू ग्रिग्नास रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो फोर प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ आज हम करेंगे फिफ्थ प्रिपरेशन, दैट इज प्रिपरेशन फिफ्थ फ्रॉम ट्राइक्लोरो अल्केन्स। ट्राइक्लोरो अल्केन्स जैसे क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। ट्राइक्लोरो अल्केन्स को करेंगे विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। अल्कली डालेंगे हम, KOH भी डाल सकते हैं, फॉलोड बाय हीटिंग, फॉलोड बाय हीटिंग। फर्स्ट फाइव प्रिपरेशन है। सपोज मैं ट्राइक्लोरो लेता हूं, CHCl3 लिया मैंने, प्लस 3 NaOH ले लिया, क्लोरोफॉर्म में ले लिया, इज द ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन, और वी कैन से इट इज ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसको क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं। NaOH जब इसको हम डालते हैं तो क्या होता है, 3 NaCl निकल जाएगा, माइनस 3 NaCl, मतलब ये यहां से आता 3 ऐसे 3 NaCl, जो मैंने एरो पर लिख लिया माइनस NaCl, और बाकी बचा CH के साथ 3 OH, 3 Cl की जगह 3 OH आएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH कभी नहीं हो सकते हैं, ये अनस्टेबल बनता है, इट बिकम्स अनस्टेबल। और इसको जब हम हीट करते हैं, ऑलरेडी मैंने कहा था फॉलोड बाय हीटिंग, इसको जब हीट करेंगे इसमें से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा H2O, जैसे ये, बाकी जो बचा वो आप लिख लीजिए H, बाकी बचा HCOOH, HCOOH प्लस वाटर। सो ये पहला एसिड मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड बना। हम कोई और भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि क्लोरोफॉर्म, दो कार्बन चेन का ले सकते हैं, जैसे CH3। अब इस कार्बन पर 3 Cl, CCl3, ट्राइक्लोरोइथेन, पहला था ट्राइक्लोरोमीथेन, दिस इज 111 ट्राइक्लोरोइथेन, वन लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस 3 टाइम्स NaOH, 3 NaCl निकल जाएगा, तो बचेगा CH3, सिंगल बॉन्ड C के साथ 3 Cl की जगह 3 OH, देयर कैन नेवर बी मोर देन 1 OH ऑन कार्बन, सो इट्स अनस्टेबल, इट लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इमीडिएटली अपॉन हीटिंग, और हमें बन जाता है CH3COOH प्लस वाटर इज इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, राइट। ये था फ्रॉम ट्राइक्लोरो अल्केन्स। ट्राइक्लोरो अल्केन्स चाहे क्लोरोफॉर्म मीथेन वाला, ट्राइक्लोरो इथेन वाला, आप प्रोपेन भी ले सकते हो। दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Now, after this fifth method of preparation, sixth is जो हम कर चुके हैं
मैंने कहा था एसिड क्लोराइड ले लो, एमाइड ले लो, एस्टर्स ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, हाइड्रोलिस करके, तो सेम चारों है। तो पहले हम लेंगे फ्रॉम एसिड एमाइड। एसिड एमाइड से कैसे बनता है? फ्रॉम एसिड एमाइड्स, एसिड एमाइड्स जो है इससे हम कैसे आर CONH2 से हम कैसे बना सकते हैं? तो अब ध्यान से सुनिए, इसमें दो मेथड से है। तो वैसे हाइड्रोलिसिस, तो एक मेथड है इसका विद होनो, विद नाइट्रस एसिड, HONO। पहले भी एक दिन बताया था मैंने, नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर इंस्टेंटेनियसली, उसी टाइम उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl। जहां पर भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करनी है, वो हैव टू प्रिपेयर इट एट द सेम इन सिटू, उसी टाइम इसको बोलते हैं इन सिटू, मींस इन द रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ, एंड वो हैव टू ऐड NaNO2 एंड HCl। तो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, और मैं जनरल रिएक्शन लेता हूं। एसिड एमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड NH2, इट इज एसिड एमाइड। एसिड एमाइड को होनो डालते हैं या हाइड्रोलिस करते हैं, दोनों से बनेगा। पहले हम नाइट्रस एसिड वाला बनाएंगे, HONO, मगर HONO से रिएक्शन जरूर करेगा, लेकिन डालना है एक्चुअल में हमें NaNO2HCl, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो क्या होता है, ये एन और ये एन निकल जाता है N2, ये H2 और ये O निकल जाता है वाटर, और फिर क्या बच जाता है वो देख लीजिए, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस N2 प्लस वाटर। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? सपोज आई एम टेकिंग CH3, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 प्लस HONO गिव्स NaNO2 स्लैश HCl, और हमें बनेगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH प्लस N2 गैस प्लस वाटर। इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बना इथेनेमाइड से, अगर फोनो डालेंगे, नाइट्रस एसिड डालेंगे, गया तो OH, यहां पर भी इथेनेमाइड, इथेनेमाइड, CONH2 इज एमाइड फंक्शनल ग्रुप, इथेनेमाइड। ये था पहला मेथड। नाउ सेकेंड मेथड फ्रॉम एसिडामाइड इज सिंपली हाइड्रोलिसिस। सेकेंड पार्ट इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर, ठीक है ना, विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन, मतलब एसिडिक वाटर, रिएक्शन सेम होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2 एसिड एमाइड ले लिया, इसको अगर वाटर डालेंगे, ये H प्लस की प्रेजेंस में है, तो ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस NH3। ये NH3 बेसिकली एज अमोनिया नहीं निकलेगा, क्योंकि H प्लस आयन है तो अमोनियम आयन बनेगा, NH4+ आयन। ये एसिड एमाइड से बना कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? अब इसमें भी आप ना CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर एच प्लस आयन CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया इथेनोइक एसिड,
इथेनोइक एसिड, इथेनामाइड, राइट। सो हमने दो तरीके से बनाया एस्टामाइड से, होनो डाल के भी और हाइड्रोलिसिस करके भी वाटर। वैसे हर एक एसिड जो भी जितने भी एसिड के डेरिवेटिव्स है उनको अगर हम पानी डालेंगे वो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ही बनेगा। दिस वाज सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड एमाइड्स। नाउ सो सिंपल, नाउ सेवेंथ, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, दिस द सेवेंथ वन। जब इसको हम पानी डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमें बन जाता कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड्स आर बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय रिमूवल ऑफ वाटर। व्हेन वी ऐड सेम वाटर टू दिस एसिड एनहाइड्राइड्स वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। दिस इज सेवेंथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आफ्टर आफ्टर दिस एसिड एंड एमाइड सिक्स्थ। इसमें भी पानी या होनो डाल दीजिए एंड एसिड एनहाइड्राइड में पानी डाल दीजिए एंड वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। नाउ एट्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है डेट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड। चार एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं एसिड एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड्स एंड एस्टर्स। सबको पानी डालेंगे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एसिड क्लोराइड्स इसको भी डालेंगे, हाइड्रोलिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड। एसिडिक वाटर, एसिडिफाइड वाटर, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आर सी ओ सी एल, सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एसिड क्लोराइड डालिए पानी इसमें। एच प्लस की प्रेजेंस में वी गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ। Cl की जगह OH और Cl निकलेगा एक H के साथ as HCl। Let us take another one, CH3 C double bond O Cl plus water in the presence of H plus ion, we get CH3 C double bond O single bond OH plus HCl। ये है एसिड क्लोराइड। ये है इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। ये बना इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड कॉमन नेम, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। Eighth method of preparation from acid chlorides. Now, another method after this, ninth method is from esters. From esters. Esters से भी हम carboxylic acids बनाते हैं। सेम मेथड करके, सेम रिएक्शन करके, हाइड्रोलिसिस विद वाटर इन द प्रेजेंस एच प्लस साइन, ठीक है ना। एस्टर होता है आर सी ओ एच, सॉरी ओ आर, आर सी ओ आर प्लस आर डैश डालते हैं इसको। वाटर एच प्लस की प्रेजेंस में देख लीजिए क्या होता है। ये आर सी ओ जो है इसके साथ यहां से ओ एच आता है, सो एक एच जो बचा वो आर ओ के साथ चला जाता है। सो वी गेट आर सी ओ ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ और वाटर का ओ एच आ जाता है इसके साथ, वाटर का एच बच जाता है, वो अल्कोहल के साथ आर डैश ओ एच बन जाता है। ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बना अल्कोहल।
राइट, ये है एस्टर। अब लेते हैं सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस वाटर गिव्स एच प्लस की प्रेजेंस में वी गेट सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच इथेनोइक एसिड एंड सी एच थ्री ओ एच एंड मिथेनॉल इथेनोइक एसिड। इस मिथेनॉल को रहने दीजिए, इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट। इस मिथाइल का नाम पहले दिया जाता है, दो कार्बन की चेन है, इथेन और लास्ट में ओएट है। मिथाइल इथेनोएट और इथेनोइक एसिड ये हो गया एस्टर्स के साथ, राइट। तो आफ्टर दिस लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम, मैंने कहा था अल्काइल बेंजीन। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा था, जो बेंजीन रिंग के साथ वाला कार्बन है वही ऑक्सीडाइज होता है, बेंजाइलिक बेंजाइलिक कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड ओनली विद अल्कलाइन KNO4, ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KNO4, ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KNO4। जब हम अल्कलाइन KNO4 लेते हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो तभी बन जाएगा। मगर इसमें क्या है, इसमें एक पॉइंट और लिखना है, बेंजाइलिक कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड ओनली, बेंजाइलिक कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड ओनली, मतलब जो साथ होगा बेंजीन के। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बेंजाइलिक कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड ओनली। मतलब ये कि अगर मैं मिथाइल बेंजीन भी ले लू, इथाइल बेंजीन ले लू, कोई भी मिथाइल बेंजीन, इफ आई टेक इथाइल बेंजीन, इफ आई टेक प्रोपाइल बेंजीन, बनेगा तो एक ही प्रोडक्ट, क्योंकि साथ वाला कार्बन में ही तो ऑक्सीडेशन होती है। बेंजीन के साथ वाला यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में तो बिल्कुल अल्कलाइन KNO4 ले लीजिए, तो ये COOH में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा COOH प्लस वाटर। अब दूसरे में देखेंगे, अब इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन KNO4 से। अब इसमें क्योंकि दो कार्बन है, दिस कार्बन जो साथ वाला जिसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, यही बनाएगा हमें अपना प्रोडक्ट, बेंजोइक एसिड बनेगा फिर यहां से भी। सो कोई भी, वेरी इंटरेस्टिंग, कोई भी अल्काइल बेंजीन क्यों ना हो, तो जो दूसरा कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होगा। इफ यू टेक प्रोपाइल बेंजीन, उसमें भी बेंजोइक एसिड बनेगा, बनेगा तीनों में बेंजोइक एसिड ही, और जो बाकी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले में भी बेंजोइक एसिड, दूसरे में भी बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन, टॉलीन भी इसका नाम है, कॉमन है, यू राइट मिथाइल बेंजीन और टॉलीन, तो इसका नाम है इथाइल बेंजीन, दूसरे का इथाइल बेंजीन। नाम जरूर लिखना होता है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, फिर ऊपर लिखो ना लिखो कोई चिंता नहीं है, कंडीशन एरो पर लिख ली बस। सो अल्काइल बेंजीन से हमें बेंजोइक एसिड बनता है, ओनली बेंजाइलिक कार्बन जो होता है इज ऑक्सीडाइज्ड ओनली। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।